गुड मॉर्निंग एवरीबडी. स्टैंडर्ड 7, सब्जेक्ट संस्कृत, बराबर चैप्टर नंबर 8, समय, बराबर. तो जैसे हम हिंदी में बोलते हैं, गुजराती में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं समय, बराबर है कि 10:30 बजे, 11:30 बजे, 10:30, बराबर. तो वैसे ही संस्कृत में भी यहाँ पर समय दिया गया है. पेज नंबर 26, ऐसा घड़ी, मतलब यह घड़ी है, क समय मतलब क्या समय हुआ है, बराबर है. तो 5:30, तो उसको क्या बोलते हैं, ऊपर 30 मिनट्स है तो उसको सार्ध, बराबर है. ऊपर 15 मिनट हो गया है तो सपाद उसके लिए यूज़ होता है. और अगर 9 के ऊपर मतलब 45 मिनट्स है ऊपर तो उसको पादन बोलते हैं, इसको सार्ध. जब 6 के ऊपर काटा हो, बराबर 30 मिनट्स, और उसके बाद में सपाद मींस वो काटा कितने पर होगा, 3 के ऊपर, बराबर है. कितने मिनट, 15 मिनट. उसके बाद में है पादन, तो ये 9 के ऊपर बड़ा काटा होगा, बराबर है. और 45 मिनट्स, बराबर है. इस तरीके से जैसे कि यहाँ पर 5:30 हुआ है, बराबर है. तो सार्ध पंच वादनम, बराबर है. उसके बाद में 6:30 हुआ है तो सार्ध षड वादनम, बराबर. 9:30 हुआ है तो सार्ध नव वादनम, बराबर है. फिर 2:30 तो सार्ध द्विवादनम, बराबर, मतलब 2:30 हुआ है. ओके, अभी सपाद मतलब ऊपर 15 मिनट जब हो जाती है तो 3:15 हुई है, बराबर है. तो उसको हम कैसे लिखेंगे, तो सपाद त्रिवादनम, सपाद त्रिवादनम. ऐसे ही 4:15 हुई है यहाँ पर, बराबर है. तो सपाद चतुर्वादनम, सपाद चतुर्वादनम. ओके, तो 10:15 यहाँ पर हुआ है तो सपाद 10 वादनम, मतलब 10:15 हुआ है. ओके, तो 8:15 हुआ है यहाँ पर तो सपाद अष्टवादनम, मतलब 8:15 हुई है, बराबर. अभी जैसे 11:15, ऐसे तो 45 मिनट, तो उसके लिए वर्ड यूज होगा पादन, बराबर है. तो यहाँ पर कितने बज के, 10:45 हुआ है तो पादोन 10 वादनम, पादोन 10 वादनम, मतलब 9:45 हैं, 10:45. ओके, यहाँ पर 11:12 हैं, मतलब 11:45, तो पादोन 12 वादनम. ओके, उसके बाद में यहाँ पर 9:09 हैं, मतलब 8:45, तो पादोन 9 वादनम. ओके, देन यहाँ पर 12:01 हुआ, मतलब 12:45, तो पादोन 1 वादनम. ओके, देन नेक्स्ट पेज नंबर 27 पे एक्सरसाइज दिया हुआ है. तो क समय मतलब क्या समय हुआ है, यहाँ पर 1:15 है, बराबर है. तो इसके लिए क्या यूज करेंगे हम, 15 मिनट्स के लिए सपाद, बराबर है. सपाद 1 वादनम, सपाद 1 वादनम. ओके, फिर यहाँ पर 7:30 हुआ है तो 30 मिनट्स के लिए कौन सा यूज करेंगे, सार्ध. तो सार्ध सप्त वादनम, सादर्श सार्ध सप्त वादनम. उसके बाद में है यहाँ पर 2:45 हैं, मतलब 1:45, तो इसके लिए पादोन यूज करेंगे 45 मिनट्स के लिए, बराबर. पादोन द्वे वादनम, बराबर. उसके बाद में 30 मिनट्स के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे हम, सार्ध. तो 4:30 हुआ है तो सार्ध चतवारी वादनम. ओके, यहाँ पर 11:15 हुआ है तो 15 मिनट्स के लिए सपाद, तो सपाद एकादश वादनम, एकादश वादनम. ओके, यहाँ पर 6:05 हैं, मतलब 5:45,
तो 45 मिनट्स के लिए पादोन, पादोन षट वादनम, पादोन षट वादन मतलब 5:45 बजे। ओके 10:30 तो 30 मिनट्स के लिए सार्ध, तो सार्ध 10 वादनम, सार्ध 10 वादनम। ओके इसके बाद में 4:45 बजे हैं, 4:45 तो पादोन 5 वादनम, पादोन 5 वादनम। यहाँ पर अभी 4:15 तो सपाद चतुर्वादनम, यहाँ पर थर्ड में दिया हुआ है, मैचिंग करना है इसके साथ में, सपाद चतुर्वादनम। 6:30 मतलब सार्ध षड वादनम, फर्स्ट में दिया हुआ है। उसके बाद में 2:45 है तो पादोन 3 वादनम। ओके 7:15 तो सपाद सप्त वादनम। ओके 8:45 तो पादोन 9 वादनम। तो मैचिंग ये सामने सामने आपको लिखना है, जैसे कि 4:15 तो उसके सामने लिखना है आपको सपाद चतुर्वादनम, बराबर है, ऐसे आपको सामने सामने इसका मैचिंग लिखना है। 6:30 तो सार्ध षड वादनम उसके सामने लिखना है, 2:45 तो पादोन 3 वादनम उसके सामने ही लिखना है बिल्कुल, 7:15 तो सपाद सप्त वादनम उसके सामने जस्ट लिखना है, 8:45 हुआ है तो पादोन 9 वादनम उसके सामने लिखना है। ओके तो ये आप नोटबुक में करना कंप्लीट, बराबर है। पेज नंबर 28 पे जो शिष्टाचार के शब्द लिखे हैं, हरिओम मतलब हरिओम, सुप्रभात मतलब गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्कार का सैल्यूटेशन बोविंग, शुभ रात्रि तो गुड नाइट, धन्यवाद तो थैंक यू, स्वागतम मतलब वेलकम, क्षम्यताम मतलब एक्सक्यूज मी, चिंता मास्तु मतलब नेवर माइंड, कृपया मतलब प्लीज, पुनः मिलाम मतलब सी यू अगेन, जो हम डेली में रूटीन डेली रूटीन में यूज़ करते हैं वो वर्ड यहाँ पर दिए हुए हैं, तो इसको भी एक बार आप लिख लेना नोटबुक के अंदर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।